आज पूरे मध्य प्रदेश में किसान कल्याण निधि के तहत जो सहायता राशि किसानों को डाली जाती है, वह राशि आज दूसरे चरण में इंदौर जिले के जो किसान हैं और पूरे मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनके जो खाते हैं उसमें सहायता राशि आज डाली गई। उसी के साथ हम बताएं आपको कि जो केंद्र सरकार है उनकी उनकी ओर से सालाना 6,000 रुपये और उसी के साथ राज्य सरकार की ओर से सालाना 4,000 रुपये तकरीबन दोनों ही सरकारों द्वारा जो किसान योजना के तहत जो सहायता राशि है वो डाली जाती है और उसका दूसरा चरण आज संपन्न हुआ। उसमें तकरीबन हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश की, तो पूरे मध्य प्रदेश में 20 लाख किसानों को 400 करोड़ की राशि यहाँ पर आज उनके जो खाते हैं उनमें सीधे डाली गई। उसी के साथ इंदौर ज़िले की बात करें तो इंदौर ज़िले में लगभग 15,000 किसानों को 3 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर आज सीधे उनके खाते में डाली गई और यह जो राशि है यह उनकी सहायता के लिए है। तो जिस प्रकार से खेती में जो उनको नुकसान होता है, चाहे फसल खराब होती है या फसलों में कीड़े लग जाते हैं, उसी प्रकार की जो राशियाँ रहती है वो राशि उनको यहाँ प्रदान की जाती है। जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट, उन्होंने यहाँ पर आज उन लोगों को सहायता राशि बांटी और उसके साथ उन्होंने एक बात और कही कि उनको एक बड़ा दुख उस समय था जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और जो किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ़ करना था और वो कर्जा कांग्रेस की सरकार के समय माफ़ नहीं हो पाया था। और उसके बाद अब जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद उपचुनाव जीतने के बाद मंत्री बने और उनको काफ़ी खुशी है कि जो किसानों को लेकर जो मुख्यमंत्री के वादे हैं उस वादों को अब ये जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो धीरे धीरे पूरे करते जा रहे हैं। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।